प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज मैं बाइबल के नए नियम से प्रभु यीशु के जन्म की कहानी बताने जा रही हूँ। बाइबल में हम देखते हैं दोस्तों, गलीलिया के नाजरेत नामक नगर में एक इसराइली लड़की थी, उसका नाम था मरियम, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी। परमेश्वर जानता था कि मरियम एक पवित्र और परमेश्वर की आज्ञा मानने वाली नेक लड़की है, इसलिए उसने अपने स्वर्गदूत गैब्रियल को उसके पास भेजा। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ आकर उससे कहा, प्रणाम, प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। मरियम अचानक से यह शब्द सुनकर घबरा गई, क्योंकि इससे पहले कभी उसने इस व्यक्ति को नहीं देखा था। वह सोचने लगी कि इस प्रणाम का क्या अभिप्राय है। तभी स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम, डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी और पुत्र प्रसव करेंगी और उसका नाम ईशा रखेंगी। फिर स्वर्गदूत ने बताया कि वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। पर यह कैसे संभव है, मरियम ने स्वर्गदूत से पूछा, मेरा अभी विवाह भी नहीं हुआ है और मैं किसी पुरुष के साथ भी नहीं रही हूँ, इसलिए मुझसे एक बालक कैसे पैदा हो सकता है। परमेश्वर का सामर्थ आप पर होगा, स्वर्गदूत ने कहा, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। फिर उसने मरियम को बतलाया, देखिए, आपकी कुटुंबिनी एलिजाबेथ को भी पुत्र होने वाला है, वह जो बूढ़ी हो गई है और बांझ कहलाती है, परमेश्वर की कृपा से वह माँ बनने जा रही है। उसका अभी छठा महीना चल रहा है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तब मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, जैसा आपने कहा वैसा ही मेरे साथ हो। मरियम और एलिजाबेथ दोनों को ईश्वर की कृपा प्राप्त थी। मरियम ने परमेश्वर की बातों पर पूरा विश्वास किया और स्वीकार करने का साहस भी किया। उन्होंने यह नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, विवाह के पूर्व गर्भवती होने से या यूसुफ क्या सोचेंगे, इसकी भी परवाह उन्होंने नहीं की। उसे सिर्फ अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा था। स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। इसके बाद मरियम शीघ्र ही पहाड़ी प्रदेश के एक नगर में एलिजाबेथ से भेंट करने निकली। उसने घर में प्रवेश कर एलिजाबेथ का अभिवादन किया। ज्यों ही एलिजाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई और खुशी के मारे ऊंचे स्वर में बोल उठी, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई, और धन्य है आप जिन्होंने विश्वास किया कि ईश्वर ने जो कहा वह पूर्ण हो जाएगा। तब मरियम अपने प्रभु ईश्वर की स्तुति करने लगी और कही, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है और मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। मरियम एलिजाबेथ के साथ लगभग 3 महीने रही, फिर अपने घर वापस लौट गई। आगे हम देखते हैं दोस्तों, मरियम की मंगनी यूसुफ नामक युवक से हुई थी।
परंतु उनके विवाह से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। जब यूसुफ को ये बात मालूम हुई तो वह चुपके से मरियम का परित्याग करने की सोचने लगा, क्योंकि वह एक धर्मी व्यक्ति था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह ऐसा सोच ही रहा था कि स्वप्न में प्रभु के दूत ने उससे कहा, यूसुफ, दाऊद की संतान, तू मरियम को अपनी पत्नी बनाने से मत डर, क्योंकि उसका जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। वह पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यूसुफ नींद से जाग उठा और दूत के कहे अनुसार मरियम को अपने यहाँ ले आया। उन दिनों रोम का शासक अगस्तुस कैसर था। उसने एक नियम बनाया था जिससे वह अपने देश की जनगणना करा सके। उसके अनुसार सभी लोगों को अपना नाम लिखाने के लिए अपने अपने नगर में जाना था। अतः यूसुफ भी मरियम को लेकर नासरत से बेतलहम आया, जो यहूदिया भी कहलाता है। वहां इन लोगों को ठहरने के लिए सराय में कोई जगह नहीं मिली, क्योंकि उस समय सभी लोग नाम लिखाने के लिए आए हुए थे। इधर मरियम के प्रसव का समय निकट आ गया था, अतः उन्हें एक गोशाले में पशुओं के साथ रहना पड़ा। और उसी दिन मरियम ने अपने पहलौठे पुत्र को जन्म दिया। यह कितनी विचित्र बात थी कि दुनिया का मुक्तिदाता, ईश्वर का बेटा, किसी महल में नहीं वरन पशुओं के बीच चरणी में जन्म लिया, क्योंकि वह तो दीनता और नम्रता का संदेश देने आया था। आगे हम देखते हैं, उस प्रांत में चरवाहे खेतों में रहा करते थे। वे रात को आग तापते हुए अपने झुंड की रखवाली कर रहे थे। तभी एक रोशनी उनके चारों ओर चमक उठी और वे बहुत अधिक डर गए। परंतु स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरिए नहीं, मैं आपको सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का समाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। वह अपने लोगों का उद्धार करेगा। आप लोगों के लिए यह पहचान होगी कि आप उसे कपड़ों में लपेटा और चरनी में लिटाया हुआ पाएंगे। स्वर्गदूत बोल ही रहा था कि अचानक बहुत से स्वर्गदूत आकर परमेश्वर की स्तुति करते हुए कहने लगे, सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति। इस प्रकार यीशु के जन्म का सुसमाचार सबसे पहले चरवाहों को सुनाया गया। यीशु के जन्म के समय बेतलहम में राजा हेरोद का शासन था। उस समय तीन ज्योतिषियों ने पूर्व में एक तारा देखा। वे तारों का अध्ययन करते थे। उनका विश्वास था कि नया तारा उनको किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की ओर ले जा रहा है। अतः ज्योतिषियों ने, जो पूर्व से यरूशलेम आए थे, उन्होंने पूछा, कहाँ है वह नवजात बालक जो यहूदियों का राजा बनेगा? इसराइलियों का ही दूसरा नाम यहूदी है। फिर उन्होंने कहा, हमने बालक का तारा उस समय देखा जब हम पूर्व में थे, हम उन्हें दंडवत करने आए हैं। यह सुनकर राजा हेरोद और सारा यरूशलेम घबरा गया। हेरोद नहीं चाहता था कि कोई दूसरा उसका स्थान ले। अतः राजा ने सब महायाजकों और शास्त्रियों की सभा बुलाकर पूछा, मसीह कहाँ जन्म लेंगे? उन्होंने उत्तर दिया, यहूदिया के बेतलहम में। अतः हेरोद ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाया और उन्हें बेतलहम भेजते हुए कहा, जाइए और बालक का ठीक ठीक पता लगाइए और उसे पाने पर मुझे खबर दीजिए, जिससे मैं भी जाकर उसे दंडवत करूं। परंतु वास्तव में राजा उसे मार डालने की सोच रहा था। वे राजा की बात मानकर चल दिए।
उन्होंने जिस तारे को उदित होते देखा था वह उनके आगे आगे चलता रहा और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचने पर ठहर गया। वे तारा देखकर बहुत आनंदित हुए। घर में प्रवेश करके उन्होंने बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और उसे साष्टांग प्रणाम किया। फिर अपना अपना संदूक खोलकर उन्होंने उसे सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। बाद में परमेश्वर ने उन्हें स्वप्न में चेतावनी दी कि वे हेरोद के पास ना लौटें। इसलिए वे दूसरे रास्ते से अपने देश लौट गए। इस तरह से अद्भुत रीति से परमेश्वर की योजना के अनुसार प्रभु यीशु का जन्म होता है। ईश्वर इस कहानी के द्वारा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।